नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे भोजपुरी सिनेमा के सबसे चमकते सितारे पवन सिंह की जिंदगी के कुछ अनसुने और दिलचस्प किस्से। पवन सिंह, जिनकी आवाज और अभिनय ने लाखों दिलों को छू लिया है, उनकी कहानी कुछ ऐसी है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं पवन सिंह के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पवन सिंह का जन्म बिहार के आरा जिले में हुआ था। एक छोटे से गांव से आने वाले पवन सिंह ने बचपन से ही गाने का शौक रखा, लेकिन भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार बनने की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उनके परिवार का सपना था कि पवन कुछ बड़ा करें, लेकिन उन्होंने संगीत और फिल्मों की राह चुनी। पवन सिंह ने अपना पहला एल्बम ओढ़निया वाली 1997 में रिलीज किया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 2008 में आए गाने लॉलीपॉप लागेलू से। यह गाना न सिर्फ भोजपुरी सिनेमा में हिट हुआ, बल्कि इसने पवन सिंह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद पवन सिंह का व्यक्तिगत जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। उनकी पहली पत्नी की दुखद मृत्यु ने उनके जीवन को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन पवन ने अपनी मजबूती और मेहनत से इन कठिनाइयों का सामना किया और आगे बढ़े। पवन सिंह ने न केवल अपनी गायकी से बल्कि अपनी दमदार एक्टिंग से भी दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी फिल्में प्रतिज्ञा, सत्या और देवरा बड़ा सतावेला ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और उन्होंने खुद को इंडस्ट्री का बड़ा नाम साबित किया। अब समय है जानने का पवन सिंह से जुड़े कुछ अनसुने तथ्य, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तथ्य एक, पवन सिंह ने सिर्फ 11 साल की उम्र में अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड किया था। तथ्य दो, पवन सिंह के गाने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत पसंद किए जाते हैं, खासकर नेपाल, फिजी और मॉरिशस में। तथ्य तीन, उनका गाना लॉलीपॉप लागेलू यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले भोजपुरी गानों में से एक है। तथ्य चार, पवन सिंह ने फिल्मों के अलावा राजनीति में भी कदम रखा है। 2024 में उन्होंने बिहार के काराकत से चुनाव लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे। तथ्य पाँच, पवन सिंह ने बॉलीवुड में भी अपनी आवाज दी है। उन्होंने कुछ हिंदी गानों में अपनी गायकी का जादू बिखेरा है। तथ्य छह, पवन सिंह अपनी फिटनेस को लेकर काफी सजग रहते हैं। वह रोजाना जिम में कड़ी मेहनत करते हैं और फिटनेस को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। तथ्य सात, पवन सिंह का नाम हमेशा विवादों में भी रहा है, लेकिन उन्होंने अपने फैंस और काम के प्रति लगन से हर विवाद को पीछे छोड़ा। तथ्य आठ, पवन सिंह का सपना है कि वह भोजपुरी सिनेमा को बॉलीवुड की तरह एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएं और इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएं। पवन सिंह ने अपने फैंस के दिलों में जो जगह बनाई है वह अद्वितीय है। उनके गानों और फिल्मों की लोकप्रियता यह साबित करती है कि वह भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह क्यों कहलाते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी पवन सिंह की, उनके संघर्ष से लेकर स्टारडम तक की यात्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भोजपुरी सिनेमा की और भी रोचक जानकारियां मिलती रहें।